मामले पर आज भी काम कर रहा हूं और हर साल 200 गरीब और यतीम बच्चियों की शादियों का इंतजाम मेरी जानिब से मेरे साहब की जानिब से किया जाता था। फर्नीचर की दुकान का एक कार्ड देता था मैं, वहां से फर्नीचर लाते थे और गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम होता था। और मेरी कोशिश थी कि ये काम हुकूमत की जानिब से हो, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और मेरी खुद की नुमाइंदगी का नतीजा कि वाहिद भाषा गारंटी के दौर में हमने इज्तिमाई शादियों का एक आगाज किया। फिर इज्तिमाई शादियों में लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे कि इज्तिमाई शादियां 50 शादियां हो रही हैं, सामान मिल रहा है, वहां पे आके बैठे हैं। तो उसके बाद फिर से मैंने असेंबली में नुमाइंदगी की और कहा कि इज्तिमाई शादियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि शादियों का एक मसला है गरीब लोगों का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और शर्मिंदगी महसूस होती है कि इज्तिमा में इज्तिमाई तौर पर आके बैठने पर नहीं बैठना चाह रहे हैं आप, इसको इंफरादी तौर पर उनकी इमदाद कीजिए। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ऐवान असेंबली में तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे मुतालिबे को कबूल करते हुए शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी का एक स्कीम का आवाज किया, और जिसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों गरीब बच्चियां जो घरों में बैठी रहती थी माशी परेशानी की वजह से जिनकी शादियां नहीं होती थी, आज हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जाती है। और इसका आगाज हुआ तो 51,000 से 50,000, 51,000, 75,000 और आज 1,00,000 रुपया दिया जाता है। तो आप बताइए ये एक गैर मामूली काम है जिसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं। और ये बात जरूर कहूंगा कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने शादी मुबारक इसकी का बात अपनी नुमाइंदगी पर किया। अल्लाह का फजल करम है। और आज आज इस देश की तकसीम में करीब 500 चेक दिए जाएंगे जो शादी मुबारक के हैं और बीसी कल्याण लक्ष्मी के 96 और ईटीसी कल्याण लक्ष्मी के 10। तो जुमला जो आज की जो तकसीम है वो 606 चेक हम दिए जाएंगे और जिसकी लागत जुमला पैसा जो आज जो दिया जाएगा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में वो 6,07,73,832 रुपया है। और मुझे ये बोलते हुए भी बड़ी मसरत हो रही है कि हलका असेंबली चंद्रायन गुड्डा हर महाज में अव्वल नंबर पे है, चाहे वो तरक्याती सरगर्मियां हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो या सेहत का मैदान हो, हर मैदान में चंद्रायन गुट्टा आज आगे है। और इसी हिसाब से मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब से ये शादी मुबारक की स्कीम शुरू हुई है चंद्रायन गुट्टे में शादी मुबारक के 18,000 चेक अब तक हम दे चुके हैं। कन्या लक्ष्मी में 5,000 और बीसी में 1,000, जुमला 24,000, कितने 24,000 युके में गरीबों गरीब बच्चों की शादी के लिए देने में हम कामयाब हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम ले रहा है और हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करेंगे। हालात ये कोविड की वजह से बहुत आजमाइश में है, मुसीबत का वक्त है, बहुत से लोग परेशान हैं, कारोबार से महरूम हो गए, खल्ल में आ गए हैं। हुकूमत से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कि इन हालात में जो भी मुमकिन मदद हो सकती है ज्यादा से ज्यादा आवाम की करें, और हमारी जानिब से भी हम कर रहे हैं। हमने करीब 12 करोड़ रुपया सर्व किया था कोविड के वक्त, और यहाँ पे कई लोग होंगे कि जिनके घरों तक
हमने अनाज भी पहुंचाया था, मेरी जानिब से मैंने घरों पर अनाज भी पहुंचाया। मैं पूछना नहीं चाहता कि कितने लोग हैं, लेकिन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हमने अपनी जान से अनाज तकसीम किया। और मैं नहीं समझता हूं कि शहर में कोई भी ऐसा एक फर्द लाहिर है जिसने इतना इमदादी काम किया है जितना काम चंद्रायन गुट्टे ने, अकबरुद्दीन ओवैसी और मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने जो काम किया है। कहीं पर से भी आवाज आती थी तो हम अनाज लेकर उनके घर तक हमारी टीम पहुंच जाती थी। कहीं से भी कोई कहता कि हमारे पास अनाज नहीं है, हम पहुंच जाते। और फिर तूफान आया और पानी में कई घर डूब गए थे, बस्तियां मुतासर थी, तो हमने तूफान में भी घरों घर पहुंच कर हमने मदद की। किसी का चूल्हा बनाया, किसी का फ्रिज बनाया, किसी के घर से कीचड़ साफ करवाया, तो किसी को अनाज दिया, किसी को कपड़े दिए पहनने को, किसी को चादर दी बिछा के सोने के लिए, किसी को बिस्तर दिया, किसी को पलंग दिया। तो हमने अपनी जानिब से करोड़ों रुपए का इमदाद किया। टैक्सियां डूब गई थी तो उनकी मदद की, ऑटो डूब गए तो उनकी मदद की, हुफाज परेशान थे, तरावियां नहीं हुई तो हुफाज की हमने मदद की, और फिर ये प्रेस के लोग जब परेशान थे उनकी मदद की। अरे हमने किन किन लोगों की मदद की है, मैं समझता हूँ कि किसी ने भी इतनी मदद, इतनी इमदाद नहीं की जितनी मदद और इमदाद चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सालारी मिलन एजुकेशन ट्रस्ट चलाया जाता है उसकी जानिब से हमने मदद की। तो दूसरे कोविड का वेव जब आया उस वक्त भी हमने मदद की, और चंद्रायन गुट्टे में कहीं पर भी ऑक्सीजन की तलब होती थी, जरूरत होती थी सिलेंडर्स की, तो हमारी टीम, हमारे कॉर्पोरेटर आगे बढ़कर जाकर उनको, हमने अपनी जानिब से उस वक्त भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए। ऑक्सीजन सिलेंडर पर हमने 20 लाख रुपया खर्च किया चंद्रायन गुट्टे हेल्थ असेंबली में, फिर 20 लाख हमने पूरे और दूसरे इलाकों में मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट को भी दिया 50 लाख। और फिर ये भी बताऊं कि दूसरे वेव में हमने पका हुआ खाना 1 लाख लोगों का तक हमने खाना पहुंचाया। रोजाना रोजाना 16,000 लोगों का खाना पकता था। यहां पर भी कई लोग होंगे जिनके घरों तक हमारे पका हुआ खाना पहुंचा ही नहीं। आप एक बताइए आप लोग, हमने काम किया, हमने काम किया और काम करते हैं, ये सोच कर काम करते हैं कि दुनिया में इसका अजर मिले या ना मिले, आखिरत में हमको जरूर इसका अजर मिलेगा। अल्लाह जरूर हमको हमारे काम का आखिरत में अजर देगा। लोग आते हैं, बातें करते हैं, वोट लेते हैं, इख्तियार की कुर्सियों पर बैठते हैं और अपने लिए दौलत कमाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी दौलत कमाने की नीयत से नहीं आया है, बल्कि अपनी दौलत को गरीबों के लिए निछावर कर लुटाने के लिए आया है, ताकि इसके जरिए अपनी आखिरत कर। और मैं बार बार ये बात बोलूंगा कि मैं अगर जिंदा हूं, आपके सामने हूं, तो आपकी दुआएं ही थी जिसने मुझे मौत के दरवाजे से खींच कर लाई और मैं आज यहाँ खड़ा हूं। नहीं तो जिस तरीके से मेरा हाल था, मैंने समझता कि शायद मैं जिंदा रहता। वो दुआएं थी और वो दुआओं का फल है जो मुझे अदा करना है। जब तक आखिरी सांस रहेगी अकबरुद्दीन ओवैसी उन दुआओं के खर्च को अदा करते रहेगा, अपनी जानिब से जो मुमकिन है करते रहेगा, गरीब मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए। और ये नहीं देखेगा कि चाहिए मुसलमान है या कोई हिंदू है, अकबरुद्दीन ओवैसी के दरवाजे से हर मजलूम को की फरियाद को सुना जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। और हमने कोविड में मुसलमानों की मदद की तो हमने गैर मुस्लिमों की भी मदद की, हमने हिंदुओं की भी मदद की, हमने ईसाइयों की भी मदद की, हमने सिखों की भी मदद की, हमने सबकी मदद की है और हम सबकी मदद करेंगे। क्योंकि भूखा जो रहता है वो भूखा रहता है, परेशान हाल परेशान रहता है, मजलूम पर जुल्म होता है, तो हम ये नहीं देखते कि ये कौन से मजहब से है। हाँ ये जरूर है कि जुल्म का शिकार ज्यादा मुसलमान है, ये जरूर है कि जरूरत ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है, लेकिन हम
ये नहीं देखते कि कौन हमारे पास आ रहा है। मैं सबसे कहूंगा कि आइए हम सबका हाथ थामेंगे, सबका काम करेंगे। आपसे फिर से आखिरी में मैं अपील करूंगा कि वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। तरफियाती काम में चल रहा है मुद्दा आगे, इमदादी काम में चल रहा है मुद्दा आगे, गरीबों की मदद में चल रहा है मुद्दा आगे, शादी मुबारक में चल रहा है मुद्दा आगे, कल्याण लक्ष्मी में चल रहा है मुद्दा आगे, इंशाल्लाह वैक्सीन में भी चल रहा है मुद्दा सबसे आगे रहेगा ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ओएसी हॉस्पिटल में है, फ्री है, जाइए, कोई पैसे लेना नहीं, फ्री है डॉक्टर जी। बल्लाबुड़े में कैंपस है हमारा, वहां पर है, जाइए लीजिए। नरसिंहपुर गांव में है, वहां पर जाइए लीजिए, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन है, जाइए लीजिए और अपने आप को कोविड से बचाइए, एहतियात करिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह आपको, हमको, सबको इस वबा से महफूज रखे, कोरोना से महफूज रखे। और अल्लाह से दुआ है कि वो लोग जो कोविड के पहले और दूसरे वेव में जिन लोगों की मौत हुई है, मैं उनके अपराध खानदान से ताजियत करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सबर अता फरमाए उनके अपराध खानदान को, और जो कोविड की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमाए और उनके अपराध खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आप तमाम से फिर से अपील करता हूँ कि वैक्सीन लीजिए, जाइए, अपने आप को महफूज रखिए। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, सारी दुनिया में फिर पलट कर कोविड आ रहा है, कई ममालिक में आ रहा है, हमारे पास भी दोबारा आ सकता है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जितना हो सकता है मास्क लगाइए, एहतियात करिए और वैक्सीन लीजिए। वाकर अलहमदुल्ला बामिर, जैनब बेगम,
लाइन अप पे दम मुमताज बेगम, मुमताज बेगम, मुमताज बेगम है वो, मुमताज बेगम मुमताज बेगम ये भी मुमताज, मुमताज बेगम दो है, दो है। शेख आमिर, शेख आमिर सलाला के, ठीक लीजिए आप ले लीजिए। हाफिज बाबा नगर शाहीन, शाहीन सुल्ताना, हाफिज बाबा नगर शाहीन सुल्ताना, जरा रास्ता हट देंगे आप लोग। शाहीन सुल्ताना मेहराज बेगम, हाफिज बाबा नगर मेहराज बेगम, शाहीन सुल्ताना देखिए ना, एक मिनट मेरा भी। नसरीन बेगम, नसरीन बेगम, मरियम बेगम, रफत सुल्ताना, मेहराज बेगम पुकारे ना मेरे बच्चे का नाम, अच्छा रफत सुल्ताना, रफत सुल्ताना, एक मिनट नाम पुकारे तो आइए माँ, नाम पुकारे तो आइए ना, आप लोग इतने मत आइए, नाम अगर आपका पुकारे तो आइए पुकारे, यहाँ यहाँ से मेरे नसीम सुल्ताना, नसीम नसीम उनिसा,